जैसलमेर का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को मोहित करने में कभी विफल नहीं होता। आपके लिए शहर में आसपास के कई आकर्षण हैं, चारों ओर जैसलमेर किले, पटवों की हवेली, भव्यता और जैन मंदिरों से शांति हो या खरीदारों के स्थानों पर जीवंत और दिलचस्प रेगिस्तानी त्यौहार हो। इतना ही नहीं, रेगिस्तान में जीप टूर और ऊंट सफारी आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाले। जैसलमेर शहर चारों तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो दूर से पीले रंग से चमकता है क्योंकि यहाँ किले, मंदिरों में बलुआ पत्थर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बड़ी मूछों और रंग बिरंगियों घड़ी पहने पुरुष और छितारे, शीशे लगे लहंगे, महिलाएं पीले बलुआ पत्थर से बने जाले और झरोके की वस्तुएं, चमड़े की जूतियां और असंख्य दुकानें, ब्लॉक से छपाई किए हुए स्कार्फ और छोटी वस्तुओं पर कलाकारी, ये सब चीज़ें पर्यटकों को अपने आप में डुबोकर पुराने समय में ले जाती है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे जैसलमेर में खूबसूरत घूमने वाली जगह। आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है और जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने वाली है। आइए शुरू करते हैं। पटवों की हवेली। एक परिसर में पांच छोटी हवेलियां, एक शानदार समूह पटवों की हवेली जैसलमेर घूमने के स्थानों की सूची में सबसे ऊपर आती है। खिड़कियां और बालकनियों पर जटिल नक्काशी और उत्तम वॉल पेंटिंग की शीशे का काम हवेलियों को भव्यता की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप जरूर जाइए। उसके बाद है बड़ा बाग। शाही परिवारों के मकबरों की एक श्रृंखला के साथ उद्यान परिसर बड़ा बाग राजस्थान के अतीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें पहाड़ी के तल पर मकबरे या कब्रगाह के प्रवेश द्वार हैं। बगीचे के कई भूरे रंग की छतरियां हैं, जो गुंबद, चौकोर, गोलाकार पिरामिड के आकार की बनी हुई है। यहाँ पर बगीचे में टहल सकते हैं और पक्षियों को देख कर इस जगह का शांति वाला लुत्फ उठा सकते हैं। जैसलमेर का किला। थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर स्थित एक विशाल रेत यह महल रेत से बना हुआ प्रतीत होता है। जैसलमेर किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है। राजस्थान के इस बड़े जीवित किले में 5000 लोग आज भी रहते हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। इस बलुआ पत्थर के किले में विभिन्न गणेश पोल, सूरज पोल, अलग अलग तरह के स्थान बने हुए हैं। गड़ीसर लेक। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं और शांति का मजा ले सकते हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित खूबसूरत गड़ीसर झील शांति चाहने वालों के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है। इसका इतिहास 14वीं शताब्दी का है, जब यहाँ पर पूरे शहर के लिए पानी का एक स्रोत था। अब गड़ीसर झील एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और निकटवर्ती जैसलमेर किले और इसके किनारे पर मौजूद मंदिरों के सुंदर दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप सर्दियों में यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो आपके यहाँ कई प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आने का समय एक्चुअली अच्छा है, अक्टूबर से मार्च के बीच में। बड़ा बाग के अंदर स्थित व्याज छतरी जैसलमेर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला और जटिल नक्काशी के साथ सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर की छतरियों की एक सारणी बनी हुई है। यह संरचनाएं देखने के लिए एक है। छतरियों की वास्तुकला को निहारने के अलावा आप एक तरफ जैसलमेर के किले और दूसरी तरफ रेत के टीलों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। देश के सबसे प्रमाणिक रेगिस्तानी स्थलों में से एक सैम सैंड ड्यून सूर्योदय और सूर्यास्त का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। आप यहाँ रेगिस्तानी सफारी पर जा सकते हैं और ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। थार रेगिस्तान के केंद्र में कई कैंपिंग पॉइंट हैं, लोक नृत्य, रात में संगीत, प्रामाणिक राजस्थानी व्यंजन और राजस्थान की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला दिलचस्प गतिविधियों सैम ड्यून्स में देखी जा सकती है। खाबा किला। कुलधरा गांव के पास जैसलमेर में एक और असामान्य अद्भुत संरचना है। किले और गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जिन्होंने एक रात अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया था। अब यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन चुका है। इस किले में अपने आप के सुंदर मनोरम दृश्य देख सकते हैं, साथ ही कई खूबसूरत फोटोज भी खींच सकते हैं। किले को आकर्षण और सदियों पुरानी कलाकृति वाला एक संग्रहालय कई इतिहास के प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, हमने आपको बहुत कम जगह बताई है, मुख्य जगह बता दी है, बाकी जैसलमेर घूमने लायक और भी बहुत सारी जगह हैं। हो सकता है अगले वीडियो में हम आपको वो भी बताएं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।